हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल यूपी 32 बेंज में। दोस्तों, आपने मेरी ये गाड़ी तो देखी ही होगी। यस। और मैंने इसका डिटेल वीडियो भी बनाया है, उसको भी आपने देखा होगा। हाँ। अब ये गाड़ी जो कि लगभग एक महीने से अभी खड़ी थी क्योंकि कोई चलाने वाला नहीं था। अच्छा, तो आज इसको देखेंगे कि एक महीने बाद ये गाड़ी एक सेल्फ में स्टार्ट होती है कि नहीं। ठीक है, पहले तो इसका इग्निशन ऑन करके देखते हैं, देखें बैटरी चार्ज है कि नहीं, क्योंकि एक महीने बाद शायद बैटरी डिस्चार्ज हो सकती है। ठीक है, समझ गया। बाकी देख लेते हैं चाबी लगा के। बैटरी तो थोड़ा डिस्चार्ज हुई लग रही है, लेकिन हीटर लेके स्टार्ट करते हैं तो करना। ये सादी TDI इंजन है, इसलिए इसमें हीटर वाला सिस्टम है। तीन हीटर ले लेते हैं, उसके बाद देखते हैं गाड़ी स्टार्ट हो जाती है कि नहीं। दो हीटर हो गए हैं, एक ये तीसरा। अब लेते हैं सेल्फ। ये हुई स्टार्ट। देखो भाई, ये है गाड़ी, एक महीने से खड़ी थी प्लस बैटरी भी थोड़ा सा डिस्चार्ज था, फिर भी अब देखो एक सेल्फ में स्टार्ट हुई है। मानना पड़ेगा, बाकी सब कुछ बढ़िया काम कर रहा है। भाई ये गाड़ी ऐसी है ना, अगर इसको मेंटेन रखा जाए सही से तो एक गाड़ी एकदम एक नंबर की है। क्या बात कर रहे हैं, कम खर्चे में कम पैसे वाली गाड़ी, एकदम जबरदस्त गाड़ी है। हाँ, थोड़ा सा इस गाड़ी को लेकर इसके इंजन की जो आवाज है उससे लोगों को शिकायत रहती है, क्योंकि भाई सबको चाहिए होती है एक साइलेंट कार, लेकिन इसकी आवाज गर 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 गर। लेकिन अब छोटी हैचबैक में अगर आप डीजल ले रहे हैं तो डीजल में तो भाई डीजल इंजन में तो आवाज आएगी ही आएगी, पेट्रोल के मुकाबले में थोड़ा सा तो ज़्यादा आएगी, बाकी चलने वलने में तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का, लाइक और शेयर ठोक दीजिए।